हाय थैंक यू सही पकड़े हैं हाँ एक्चुअली वही होता है रियलिटी है कि कभी कभी सेम जब आप कोई कैरेक्टर करते हो या आप जब बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाते हो किसी चीज़ में और वो चीज़ खरी नहीं उतरती या आपको कोई डोमिनेट करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है. तो वही चीज़ें हैं कि मैं एक CBI का रोल कर रही हूँ और इसमें जब यू नो पॉलिटिक्स हर जगह पर होता है अच्छा बुरा तो वही चीज़ें होती है. तो वो जब आप रियलिटी में आप फेस कर चुके हो उन चीज़ों को और जब आपको पर्दे पे करना है तो बहुत रियल लगता है, बड़ा मज़ा आता है. हाँ वो तो है, बिंदास बोल सकते हैं, बोल्ड सीन भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल लोगों को देखने भी होते हैं ऑब्वियसली. OTT है तो हर आज हम लोग ऑब्वियसली आगे बढ़ रहे हैं तो लिमिटेशन होनी चाहिए. जैसे कि मैंने भी किया था तो मैंने पहले पूछा था कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं CBI का रोल कर रही हूँ. मैंने कहा मैं CBI का रोल कर रही हूँ बस है, बाकी जिसको जो करना है करने दो. झलक इट्स गोइंग वेल, बड़ा मज़ा आ रहा है. पहली बार बहुत पॉजिटिव अच्छा रियलिटी शो लग रहा है. आई मीन बिग बॉस भी अपने लेवल पे अलग था लेकिन बिग बॉस और झलक दो कॉर्नर है, वहाँ पे बहुत सारे झगड़े और नेगेटिविटी या ऐसे लगता है, यहाँ पे बहुत प्यार है, प्यार ही प्यार है बस. धीरज का मुझे लगता है जेन्युइनली, मैंने खुद धीरज को बोला था धीरज जाओ तुम एलिमिनेट हो जाओ, बहुत बिजी हो, शो दूसरा भी कर रहे हो, बच्चे को टाइम दो. तो बट ही इज़ डूइंग ऑलरेडी. और मुझे पता है कि आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, काम का टेंशन और लाइफ बहुत छोटी सी है, आपको अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए. तो आई थिंक बुरा लगा कि एक फैमिली मेम्बर इस तरह से चला गया, बट आई एम हैप्पी कि वो अच्छा कर रहा है. यू नो उसका एक शो आ रहा है तो ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ़ हिज हेल्थ फर्स्ट. थैंक यू.